आ गए हैं जी भाई साहब एक नए बुफे पे, नाम है गो फूडी और ये है जी वेज बुफे जलंधर का सबसे सस्ता। ये जलंधर के उस हिस्से में है, यहाँ पे है श्री देवीदला मंदिर और सोडल मंदिर। तो जो बुफे का प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है जी 149 का। यहाँ पे आप बुफे के अलावा अगर एलाकार्ड भी लेना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा विद ऑफर के साथ। तो जो रेस्टोरेंट का एम्बियंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, अंदर बैठ के आपको वाइब्स ही बहुत अलग सी आने वाली है। तो भाई साहब आ चुके हैं जी अंदर रेस्टोरेंट के और ये लगा हमारे सामने ब्यूटीफुल मैनबेरी के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाला फूड। तो हमारे सामने है जी मिस्टर शिवम। शिवम जी क्या हाल है? बढ़िया सर, बढ़िया, बताओ। तो पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने समय दिया हमें। थैंक यू सर। 149 का बुफे। यस सर। कितनी आइटम है जी? सर 18 प्लस आइटम है। 18 प्लस आइटम है। यस। कैसे अफोर्ड हो रहा है? सर हो रहा है बस। क्वालिटी वैसे है जी? क्वालिटी बहुत बढ़िया क्वालिटी है। क्वालिटी में कोई निराशा तो नहीं होगी? क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है सर। शिवम बताइए कब खोला रेस्टोरेंट आपने? सर एक महीना हुआ इसको। तो इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मेरा एक रेस्टोरेंट है कपूरथला में। मैं बाय प्रोफेशनल एमटेक स्टूडेंट हूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा स्टूडेंट आप, क्या कर रहे हैं? एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। क्या ही बात है, तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है जी। थैंक यू सर। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले बताइए जी क्या जी हमारा? ये सूप है हमारा, हॉट एंड सोर सूप है। बहुत ही बढ़िया जी, स्टार्ट ही सूप से हो रहा है। और ये कौन सा जी? हॉट एंड सोर, ये रोज चेंज होता है सर। अच्छा रोज चेंज होता है। और यहाँ पे पड़े हैं कप, आप सूप से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है जी? सर ये नूडल्स है, चिल्ली गार्लिक नूडल्स। चिल्ली गार्लिक नूडल्स, ये भी रोज चेंज होते हैं सर। अच्छा क्या रहता है इसके अलावा अगर चेंज होता है? नूडल्स, हक्का नूडल्स, सिंपल नूडल्स। अच्छा अच्छा अच्छा, रोज चेंज होते हैं सर। वाह जी का क्या बात है जी, रोज चेंज होते हैं, रोज टेस्ट चेंज होता है इसका। चलिए आगे, मंचूरियन है सर। वाह, मंचूरियन के बहुत सॉफ्ट है सर। वाह वाह, और कलर बड़ा बढ़िया आ रहा है जी। और मंचूरियन की जो ग्रेवी की थिकनेस होनी चाहिए ना, वैसे ही है जैसे होनी चाहिए। थैंक यू सर। तो बढ़िया जी, बहुत देख खा के टेस्ट करके देखेंगे कैसा है ये। नेक्स्ट जी बिरयानी है, वेज बिरयानी सर। वेज बिरयानी रोज चेंज होती है अभी सर। वाह जी वाह, हैदराबादी बिरयानी, दम बिरयानी। दम बिरयानी, यस सर। वाह जी वाह, क्या बात है जी। नेक्स्ट बताइए जी, ये पास्ता है सर, ये चेंज होता है जी? नहीं सर, पास्ता रोज होता है। अच्छा पास्ता यही रहता है, रेड सॉस पास्ता सेम ही रहता है। यस सर। नेक्स्ट क्या जी? ये जीरा आलू है सर। वाह जी वाह, जीरा आलू आ गया जी। ये चेंज होता है? ये रोज चेंज होता है सर। इसमें क्या रहता है? मिक्स वेज होता है, मटर मशरूम होते हैं सर। अच्छा हाँ जी सर, ये भी रोज चेंज होता है। चलिए बढ़िया जी। नेक्स्ट क्या जी? ये मटर पनीर है सर। अच्छा मटर पनीर आ गया जी। यस सर, ये भी रोज चेंज होता है। पनीर रोज चेंज होता है हमारा। क्या रहता है जी? कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पनीर बटर मसाला, पनीर लबाबदार, पनीर दो प्याजा, रोज चेंज होता है। अरे वाह जी वाह, क्या बात है क्या बात है। अब नेक्स्ट बताइए, अमृतसरी छोले सर। सर जी आपके जो अमृतसरी छोले हैं ना, वो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे भटूरे के साथ मिलते हैं। यस सर। ठीक सी ग्रेवी रोमा रखा और साथ में हरी मिर्ची हो तो प्याज डाला हो तो बढ़िया ऐसा लग रहा है लुक में। तो ये भी चेंज होते हैं? ये फिक्स? नहीं नहीं सर, ये फिक्स रहते हैं। अच्छा ये फिक्स रहते हैं। चलिए जी, चने तो आपको रोज मिलने वाले हैं। और आगे बताइए, दाल मखनी सर, ये हमारी दाल मखनी, क्या ये स्पेशल मखनी, दाल मखनी हमारी, ये स्पेशल होती है? हाँ जी सर, ये स्पेशल है हमारी। मतलब ये आपको पूरे जलंधर में ऐसी दाल मखनी कहीं नहीं मिलेगी, ये कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी ऐसे टेस्ट में। क्या बात। यस सर। चलिए सर ये भी हम टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या जी? ये जीरा राइस है। जीरा राइस है? यस सर। ये रोज चेंज होते हैं सर ये भी? अच्छा जी, सिंपल राइस, मटर सिंपल राइस होते हैं, मटर पुलाव होते हैं, रोज चेंज होते हैं। ये जो आप चेंज करके डिशेस देते हो तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, लोग रोज आए और रोज उनको बदल बदल के डिश मिलेगी। हाँ, क्या बात है सर। ये डेजर्ट में खीर है सर, ये खीर है। इसका मतलब ये जो फूड ले लेता है बंदा उसके साथ ये कटोरी आप खीर? नहीं सर, अनलिमिटेड। नहीं सर ऐसा मत कीजिए। नहीं सर, 149 में अनलिमिटेड खीर दे रहे हो? यस सर। स्वीट डिश दे रहे हो? हाँ जी सर। ये भी रोज चेंज होती है सर? अरे रहने दीजिए सर, कल मूंग की दाल भी हो सकती है, मूंग की दाल का हलवा भी हो सकता है। क्या बात, सूजी का हलवा भी हो सकता है। 149 में इतना बढ़िया खाना और साथ में दे रहे हैं खीर, और ये भी रोज चेंज होती है। कभी क्या होता है जी? मूंग दाल का हलवा और सूजी का हलवा। सूजी का हलवा, क्या बात है सर। तो नेक्स्ट क्या जी? सिरका प्याज है सर ये। वाह जी वाह, सिरका प्याज आ गया और साथ में आ गया सैलेड, सैलड्स और सॉसेस आ गई। क्या बात है जी। तो शिवम जी ये 149 वाला बुफे गो फूडी नाम से है जो, आना कहाँ पड़ेगा, एड्रेस बता दीजिए सर। प्रीत नगर, सोडल रोड, सिल्वर प्लाजा, शॉप नंबर 4142, जलंधर। तो टाइमिंग भी बता दीजिए। टाइमिंग मॉर्निंग 11:30 से रात को 11 बजे तक। 149 का बुफे आपका 18 प्लस जो आइटम है और स्वीट डिश के साथ है वो भी अनलिमिटेड। तो हम टेस्ट करके देखेंगे क्या टेस्ट रहने वाला है और अपने व्यूवर्स को बताएंगे। तो चलिए भाई साहब, 149 का बुफे है वो हम प्लेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले डालते हैं जी ये जो सूप है जी, ये अगर सूप की बात करूँ ये तो मैं वहाँ पे टेबल पे सर्व हो जाएगा। तो चलिए थोड़े से हम नूडल्स डालते हैं, और जैसे कि आपको बताया कि नूडल्स जो है वो डेली जो है चेंज होते हैं, तो ये थोड़े से हम टेस्ट करते हैं। और नेक्स्ट आइए जी, ये मंचूरियन है। चलिए जी मंचूरियन भी थोड़ा सा हम डालेंगे, बहुत ही बढ़िया देखने में लग रहा है, और इसकी जो ग्रेवी है बहुत बढ़िया। और ये थोड़े से फ्राइज राइस हैं, इसको हम करते हैं स्किप। तो ये दम आलू तो ज़रूर लेंगे जी हम, क्योंकि जो जीरा आलू, सॉरी जो जीरा आलू है ये भी देखने में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। वाह, तो थोड़ा सा डाल लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी और ले लेंगे, अनलिमिटेड है तो फूड को वेस्ट नहीं करेंगे। ये तो डेफिनेटली लेंगे अमृतसरी जो छोले हैं। वाह वाह वाह, ये देखिए आप थिकनेस चेक कीजिए यार अमृतसरी छोले की, ये अरोमा रखा है ये देखिए भाई, और क्या बात है जी। चलिए इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं।
चलिए तो ये देखिए ये आगे जी पनीर की सब्जी, तो पनीर की सब्जी भी हम थोड़ी जी टेस्ट करते हैं जी, इसको डालते हैं इधर। चलिए बहुत है इतनी। तो ये आगे जी दाल मखनी, तो ये कहते हैं जी बहुत ही स्पेशल है हमारी दाल मखनी, तो डेफिनेटली इन्होंने अगर कहा है तो ये तो चेक करेंगे करेंगे। वैसे भी दाल जो है ना काली दाल के बगैर फूड पंजाबी का अधूरा ही रहने वाला। तो चलिए यहाँ पे आ गया जी राइस जो जीरे वाले हैं, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए भाई साहब, चलिए तो ये रही जी खीर। ये भी जो अनलिमिटेड है, आज खीर है ये भी चेंज होता रहता है, तो खीर मैं अभी नहीं लेता, बाद में ट्राई करूँगा। तो ये सैलड है आपकी प्लेट को हरा भरा करने के लिए, आप कुछ सैलड भी डाल सकते हैं। चलिए तो चलिए भाई साहब गो फूडी में आए हैं, 149 का बुफे है, तो टेस्ट करते हैं इनके बुफे में क्या क्वालिटी है, बाकी बुफे में और इस बुफे में टेस्ट में क्या फ़र्क है ये अभी पता चल जाएगा जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सूप से। कहते हैं जी सूप अगर पहले लेते हैं आप तो भूख आपको अच्छी तरीके से लग जाती है, तो थोड़ा सा हम सूप ले लेते हैं। तो लीजिए जी बहुत ही टेस्टी सूप के बाद आ गया जी ब्यूटीफुल दिखने वाला फूड हमारी टेबल पर, तो इसको हम करेंगे अभी टेस्ट। तो लीजिए चपाती भी आ गई, तो देखते हैं इनके पास चपाती में क्या क्या। तो बताइए जी क्या क्या जी। सर ये बटर नान है। ओके। और बटर रोटी। अच्छा जी। ये लच्छा पराठा। लच्छा पराठा और गार्लिक बटर नान। गार्लिक बटर नान भाई साहब, चार पांच तरह की इनके पास चपाती है, तो हर तरह का टेस्ट है, इंडियन ब्रेड आपको मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ जी एक बटर नान ले लेता हूँ, तो बाकी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं और ले लूंगा। तो चलिए सर सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी, जैसे कि एज यूजल नूडल्स है, जो कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबका फेवरेट रहता है। और यहाँ पे जो आपको खास बात ये है कि आपको डेली बेसिस पे चेंजेस मिलेंगे, कभी हक्का नूडल्स होंगे, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, तो बच्चों के लिए तो मज़े रहने वाले हैं। तो इसका करते टेस्ट, और देखने में बहुत ही बढ़िया, चिपके हुए नहीं है। बहुत देर बाद ऐसे नूडल्स खाए हैं और वाकई बढ़िया। मंचूरियन लेते हैं। ओहो क्या बात है भाई साहब, मंचूरियन है ना ऐसे मुंह में डालते हैं सीधा ही घुलता। तो इनका कहना है इनकी जो दाल है ना बहुत ही स्पेशल दाल है, तो मखनी दाल है, तो बहुत ही थिक है। और टेस्ट करते हैं जी, देखते हैं क्या कहती है। ओह माय गॉड, उनको हाईली रिकमेंड करूँगा। 149 में ऐसा टेस्ट बहुत मुश्किल है देना, ऐसी क्वालिटी बहुत मुश्किल है देना। ये देखिए जी आगे जी अमृतसरी छोले, जो कि सबकी पसंद होते हैं। ये छोले अगर दाल के बराबर के निकले ना तो बुफे पास है जी। ओहो साथ में अगर फूले फूले भटूरे होते ना तो कमी दूर हो जानी थी। छोले मार्वलस। अगर तो आप आ रहे हो जी देवी तला मंदिर माथा टेकने, यहाँ आ रहे हो सोडल मंदिर, तो उसके साथ ही है जी सिल्वर प्लाजा सोडल रोड पे, तो वहाँ पे आके विद फैमिली इंजॉय कीजिए। यहाँ पे अलाकार्ट भी है और बुफे भी है, जो आपका दिल करे आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। तो मैं करता हूँ इसको फिनिश, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे नए फूड के साथ नई जगह पे। टेक केयर, बाय बाय।